अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। हमें ट्राउज़र की टोटल लेंथ चाहिए 36 इंच, तो मैं यहाँ पर 4 इंचेस इसमें ऐड करूँगी, 2 इंच ऊपर नेफे के लिए और 2 इंच हम नीचे पांचे के लिए इसमें ऐड करेंगे। तो हमारी टोटल ये 40 इंच लेंथ हो जाएगी इसकी। और ये जो हमारा कपड़ा है, हमने इसको लेवल करना है और ये हमारा 4 फोल्ड है, ये हमारा कपड़ा जो है, ठीक है। हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। हमने नेफे के लिए 2 इंच ऊपर से कपड़ा छोड़ना है, ठीक है, इस पर मार्क कर लेंगे हम। और हमें जो इसकी ऊपर से इसके घेरे की चौड़ाई है वो हमारी 13 इंच हो गई, ठीक है। अब हमने अपना आसन का निशान लगाना है, उसके लिए हमें 2 इंच ऊपर नेफा ऐड करके तकरीबन 19 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। 17 इंच हमारा नीचे का आसन होगा, 2 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब हमें हिप की चौड़ाई लेनी है, वो हमारी भी 17.5 इंच है जो हमारी चौड़ाई है, ठीक है, वहाँ से मार्क कर लेंगे। अब हमने एंट्री स्टेप इस तरह रख के यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये हमारा निशान जो होगा वो तिरछा लगेगा, ठीक है। 2 इंच ऊपर से नेफे का निशान छोड़ के वहाँ से लेके तो हम यहाँ पर 17 इंच पे इस तरह तिरछा निशान लगा लेंगे। अब हमने ऊपर निशान लगा लिया, हमने पांचे का निशान लगाना है। पांचे के लिए भी हमने 2 इंच जो हमने फोल्डिंग के लिए नीचे से कपड़ा छोड़ना है उस पर हम 2 इंच पे निशान लगा के तो 8.5 इंच पे हमने यहाँ पे अपना पांचे के लिए मार्क कर देना। अब हमने ऊपर जो आसन का निशान लगाया है वहाँ पर हमने इंच स्टेप रखनी है अपनी, और जो नीचे पांचे का निशान है वहाँ पर हम इस तरह इंच स्टेप तिरछी करके ये यहाँ पर इंच स्टेप के साथ साथ मार्क कर लेंगे। अब हमने ऊपर इसकी हल्की सी शेप करनी है। अब हमने इसको कट कर लेना। तो व्यूअर्स, ट्राउज़र को ये हमने ट्राउज़र कट कर लिया, ठीक है। इसकी शेप ये आएगी, ये हमारा सिंपल ट्राउज़र है। उम्मीद है आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।